दोस्तों बजाज ऑटो भारत में जल्द ही नई जनरेशन पल्सर N160 लॉन्च करने वाली है, जिसे टेस्टिंग के दौरान हाल ही में स्पॉट किया गया है। मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए कंपनी ये नई जनरेशन बाइक लॉन्च करने वाली है, जो कम कीमत पर दमदार इंजन मुहैया कराएगी। बिल्कुल नई ये बाइक नई पल्सर रेंज का हिस्सा होगी, जिन्हें पल्सर 250 वाले प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। नई 160N के साथ कई बड़े बदलाव मिलने की अनुमान है और ये बाइक नई डिजाइन के अलावा अपडेटेड इंजन के साथ लॉन्च की जा सकती है। नई बजाज पल्सर N160 को वही फ्रेम दिया जा सकता है जो पल्सर N250 में मिला है। इसके अलावा बाइक के साथ अपडेटेड 160cc सिंगल सिलेंडर इंजन मिल सकता है, जो 17 bhp की ताकत और 14.6 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है। पिछले मॉडल के मुकाबले नई पल्सर का इंजन कुछ ज्यादा दमदार होगा। बाइक के अगले हिस्से में टेलीस्कोपिक फोक्स और पिछले हिस्से में मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक्स देने के साथ ही कंपनी ने इसे सिंगल चैनल ABS से लेस किया है। आपको बता दें कि मौजूदा मॉडल की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1.22 लाख रुपए है। पाई फोटो के हिसाब से नई बजाज पल्सर N160 इस साल के दूसरी समाही में लॉन्च की जा सकती है, यानी दिवाली के आसपास इसे पेश किया जा सकता है। बाइक का मुकाबला TVS Apache RTR 164V, Yamaha FZS Fi, Hero Xtreme 160R और Suzuki Zigzar जैसी बाइक से होने वाला है। तो आपको ये नई N160 बाइक कैसे लगी आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।